अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डीजे वाइस चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट एमनेस्टी को लेकर इमिग्रेंट्स भाइयों के लिए ताज़ा तरीन और अहम रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, जब लिज़ टोरेस की हुकूमत थी तो उस टाइम पर होम ऑफिस को एक काम सौंपा गया था, जिसमें होम ऑफिस को ये कहा गया था कि जो स्टेटस जिन लोगों का साफ है और जो क्रिमिनल्स और जो इसके साथ साथ जो रिसेंटली आए हैं, उन तमाम करके डेटे को रिवील किया जाए। तो तमाम तर डेटा जो कि रिवील किया गया, जिसमें तकरीबन 25 लाख के करीब इमिग्रेंट्स यूके में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से वो लोग जिनका स्टेटस साफ है और जिनका स्टेटस क्रिमिनल है, उन तमाम तर के लैदर रिपोर्ट के बारे में कहा गया था, ताकि उनके बारे में सोचा जा सके उनको लीगल स्टेटस के हवाले से। तो बड़ी और ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, जो कि आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि होम ऑफिस की जानिब से डेटा रिवील किया गया है जो कि होम ऑफिस के पास मौजूद है, जिसमें 10 लाख के करीब ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो कि जिनके स्टेटस बिल्कुल क्लियर हैं और जिनके स्टेटस साफ़ हैं, जिनको 10 साल से ज़ायद का अरसा यूके में रहते हुए हो चुका है। तो ये डेटा होम ऑफिस के पास मौजूद हैं। इसमें बड़ी तादाद जो कि जो बकाया जो के रहते हैं तकरीबन 15 लाख के करीब इमिग्रेंट्स, उनमें कुछ इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल्स भी हैं और जिनको इतना अरसा भी नहीं हुआ यूके में रहते हुए, जो कि रिसेंटली जिनको 5 साल या जिनको 6-6 साल हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको 2-2, 3-3 साल हुए हैं। ये डेटा उनके पास है, तो डेटा उन्होंने होम ऑफिस की जानिब से रिवील कर दिया गया है, यानी कि 10 लाख के करीब ऐसे इमिग्रेंट्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी अरसे से यूके में रह रहे हैं और वो कब से लीगल स्टेटस एमनेस्टी मिलने के हवाले से एमनेस्टी को लेकर काफ़ी देर से उसका वेट कर रहे हैं, जो कि कब से डिले का शिकार है। तो अब ये डेटा रिवील हो गया है इमिग्रेंट्स के हवाले से। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत इसको लेकर क्या करती है, जबकि पिछली हुकूमत की जानिब से, लिज़ टोरेस की हुकूमत की जानिब से ये काम स्टार्ट किया गया था। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन और अहम रिपोर्ट जो कि एमनेस्टी को लेकर, इमिग्रेंट्स को लेकर आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।